हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यस यू कैन में। आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन एम लक्ष्मीकांत। यह सीरीज आपके लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम पीएससी और अन्य एग्जाम जहां पॉलिटी की आवश्यकता पड़ती है वहां के लिए जरूरी होगा। इस सीरीज के पीडीएफ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यह इस सीरीज़ का 32वां चैप्टर है, 32nd चैप्टर है। इसमें हम राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखने वाले हैं। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि हमने जो केंद्रीय जो संसद जो है संसद के संबंध में, इसके अलावा जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है संघीय कार्यपालिका के बारे में। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं। आर्टिकल के नंबर्स चेंज हो जाएंगे और जो केंद्र है केंद्र की जगह राज्य आ जाएगा, संसद की जगह विधानमंडल आ जाएगा। बाकी कोई भी चीज़ इसमें क्या है नई नहीं होगी। जो पीएम होंगे उसकी जगह सीएम हो जाएंगे, बाकी सभी चीज़ें क्या है एक जैसी है, पूरी प्रक्रिया एक जैसी है। तो एक तरीके से इसको मानिए आप रिविज़न, और रिविज़न की तरीके से देखते हुए इसको क्या कीजिए आगे, बहुत क्विकली हम इसको जाने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो मेरे द्वारा चंद्र प्रकाश पात्रे के द्वारा बनाया गया है, और यदि आपको यह सीरीज़ या इससे पुराने जो सीरीज़ हैं वो आपको पसंद आए तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राज्य का जो मंत्रिपरिषद का है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके इंडेक्स से। इसमें हम आज संवैधानिक प्रावधान देखने वाले हैं, आर्टिकल 163, 164, 166, 167, 177 ये देखेंगे। फिर हम मंत्रियों के सलाह की प्रकृति देखेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे, मंत्रियों के उत्तरदायित्व तो देखेंगे। फिर हम अंत में मंत्रिपरिषद की संरचना, जिसमें हम कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव देखेंगे जो हम पहले देख चुके हैं। इसके अलावा आंतरिक कैबिनेट, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्री जो मंडल है वो हम देखने वाले हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। ये सब चीज़ें क्या होंगी, एक तरीके से रिवाइज होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक प्रोविजन क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो क्या है। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ऐसा प्रोविज़न है आर्टिकल 163 में। सेम प्रोविज़न जो केंद्र के संबंध में संघीय जो मंत्रिपरिषद है उसके संबंध में आर्टिकल 74 में है। ये सेम चीज़ों का क्या है, यहाँ पर रिविज़न है, आर्टिकल नंबर बस अलग है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद जो है, जो कि बहुमत प्राप्त मंत्रिपरिषद है, उसके सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, और ऐसे किसी भी विषय को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि उनके पास कोई मामला जाता है तो उनको सलाह क्या होगा, मानना ही पड़ेगा। तो राज्यपाल के पास क्या अथॉरिटी है, जो गवर्नर है, पहली बात वो किसी मामले को जो मंत्रिपरिषद ने डिसाइड किया उसको अप्रूवल दे सकते हैं। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, दूसरा उनके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं, उसको अगेन मंत्रिपरिषद को फिर से सलाह के लिए क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। और जब मंत्रिपरिषद उसको या तो संशोधित करके या फिर वैसा ही क्या कर दे, पारित करके वापस भेज दे मंत्रिपरिषद, तो अगेन क्या करना पड़ेगा, उनको उस पर सलाह, जो उनकी सलाह है उसको मानना क्या होगा, बाध्यकारी हो जाएगा। इनके पास एक और राइट होता है, वो ये होता है कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जो संघीय प्रवृत्ति के हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जो केंद्र के हितों को प्रभावित करते हैं, वो ऐसे मामलों को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकते हैं। तो ये सब अलग अलग मामले हैं, वो हम राज्यपाल वाले सेक्शन में देखेंगे। मंत्रियों के द्वारा जो दी गई सलाह है उसकी जाँच किसी भी न्यायालय के माध्यम से नहीं होती है। राज्यपाल क्या है, कुछ विशेष जो विषय है या विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो राज्यों ने क्या किया है, डिसाइड किया है, या राज्य के मंत्रिपरिषद ने डिसाइड किया है, लेकिन वो मामले क्या हो रहे हैं, वो या तो जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है, या तो जो सेंट्रल है उस सेंट्रल के विरोध में कोई मामला है। तो ऐसे मामलों को, क्योंकि जो राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति के सलाह जो विचार है उसके लिए आरक्षित रख सकते हैं। और राष्ट्रपति के विचार का मतलब होता है प्रधानमंत्री का विचार, और प्रधानमंत्री का विचार का मतलब है मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसका विचार। अब आते हैं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध में, जो आर्टिकल 164 में है। अगर सेम हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में देखें तो आर्टिकल 75 में है। तो ये क्या होते हैं, इसमें राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और उसके सलाह पे अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करके उनको अलग अलग विभागों का आवंटन करते हैं। मुख्यमंत्री सहित सभी जो मंत्री हैं उनकी जो कुल संख्या है, जो टोटल नंबर है, वो विधानसभा जो है लोअर हाउस है उसके कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कब हुआ था संशोधन, 91st Amendment 2003 में अमेंडमेंट आया और बोला गया कि जो केंद्रीय जो लोकसभा है वहाँ पर और यहाँ पर विधानसभा में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो क्या होगी, उनका जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये चार नाम याद रख लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, इन चार राज्यों में क्या होगा, जनजाति कल्याण के लिए एक अलग से पृथक मंत्री की व्यवस्था होगी।
मंत्री जो हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, मतलब राज्यपाल जब भी चाहे क्या कर सकते हैं, उनको पद से हटा सकते हैं। और राज्यपाल के प्रसाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का प्रसाद। दल बदल निरोधी कानून के द्वारा यदि कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित है तो उनको मंत्री पद के लिए भी क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इससे पहले हम जो केंद्रीय में देखे थे उसमें क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक बिना किसी विधानमंडल के सदस्य बने हुए क्या कर सकता है, वो मंत्री बनाए रह सकता है। ये हमने सेम प्रोविजन देखा था। मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो हैं वो विधानमंडल के द्वारा क्या होंगे, निर्धारित होंगे। फिर आते हैं राज्य के राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। 166 में इसका प्रोविजन है। इसमें क्या होता है, राज्य जो है राज्य सरकार क्या करेगी, समस्त कार्यवाहियाँ किसके नाम पे करेगी, राज्यपाल। केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति के नाम पे होता है। राज्यपाल के नाम से पारित जितने भी आदेश हैं और अन्य जो दस्तावेज हैं वो राज्यपाल के द्वारा जो बनाया गया नियम है उसके अनुसार क्या होंगे, उनको अधिप्रमाणित किया जाएगा, मतलब उनको अथॉरिटी उस आधार पर मिलेगी। सेम राष्ट्रपति के उसमें केंद्र में राज्य सरकार की कार्यवाहियों को सुगम बनाने और मंत्रियों के मध्य कार्यों के आवंटन करने के लिए क्या करेंगे, जो राज्यपाल है वो कुछ नियम भी बना सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री के कर्तव्य हम देखते हैं, तो जो हम पीएम के कर्तव्य देख रहे थे लगभग वही कर्तव्य हैं। सरकार के जो कार्यकारी और विधायी जो कार्य हैं उनके संबंध में जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है उन निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देने का काम किसका है, सीएम का है। फिर राज्यपाल द्वारा सरकार के जो कार्यकारी और विधायी विषय हैं उनके संबंध में कोई जानकारी मांगी जाए, यहाँ तो जानकारी वो दे रहे हैं सीएम, यहाँ पर यदि जो गवर्नर है वो क्या है, जानकारी मांग रहा है, तो मांग जा रहा है तब भी सीएम उनको जानकारी देंगे। फिर ऐसे विषय जिन पे मंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने निर्णय नहीं लिया है, ऐसे विषय पर भी क्या कर सकते हैं, वो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, सीएम को बोल सकते हैं कि आप वापस लेके जाओ इस मामले को और मंत्रिपरिषद का इसमें विचार करके उनका सलाह लेके आओ। तो फिर वो मंत्रिपरिषद विचार के लिए रखेंगे और विचार करने के बाद उनकी जो सहमति होगी या उनका जो परामर्श होगा वो लेके अगेन किसके पास जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे। फिर सदन में मंत्रियों के अधिकारों की हम बात करें, आर्टिकल 177 में इसका उल्लेख है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में, जो मंत्री हैं उसको कोई भी सदन, चाहे वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस, मतलब विधानसभा हो या विधान परिषद, वहाँ जाके बोलने, उसकी कार्यवाही में शामिल होने का क्या होता है, अधिकार होता है, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं होती। वो क्या कर सकते हैं, दोनों सदन की संयुक्त जो बैठक है वहाँ और संसदीय समिति की जो बैठक है वहाँ, जिसका कि वो मेंबर है, वहाँ क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। उनको केवल अपने सदन में वोटिंग करने का क्या होता है, राइट है। सपोज वो जो मंत्री है वो विधान परिषद का क्या है, वो मेंबर है, तो वो विधानसभा में जाके क्या है, वोटिंग नहीं कर पाएगा। वो कहाँ करेगा वोटिंग, विधान परिषद में करेगा। यदि कोई मेंबर जो है वो विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा का जो सदस्य है वो क्या करेगा, वो विधानसभा में वोटिंग करेगा, विधान परिषद में वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन मंत्री है क्योंकि, इसलिए वो दोनों ही जगह में क्या कर सकता है, अपना स्पीच और उस कार्यवाही में शामिल हो सकता है, जैसा कि हमने संसद के संबंध में देखा था। मंत्रियों के द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति की हम बात करें तो विवेकाधिकार से संबंधित जितने विषय हैं उनके अलावा सामान्यतः जो राज्यपाल हैं मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा राज्यपाल क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह जो है उसको सामान्यतः मानने के लिए बाध्य हैं। कुछ कंडीशन ऐसे हो सकते हैं जहां उनका डिस्क्रिप्शन का मामला है, जहां पर उनको विवेक के अनुसार कार्य करना पड़े। विवेक के अनुसार कब कार्य करना पड़ेगा, जब संबंधित मंत्रिपरिषद क्या हो वो उनकी मेजॉरिटी पर्याप्त नहीं हुई या उनको ये लगे कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोअर हाउस में उसने विश्वास खो दिया है, ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन का यूज़ करेंगे और संबंधित जो तथ्य है या उनकी सलाह है उसको मानने या ना मानने के लिए क्या कर सकते हैं, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एक इनके पास डिस्क्रिप्शन और है, यदि उनको लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर या फिर केंद्र के साथ संबंध या अन्य राज्य के साथ संबंधों के ऊपर आधारित है, या फिर जो अल्पसंख्यक हैं या जनजातीय जो क्षेत्र हैं उसके संबंध में कोई ऐसा मामला आ रहा है जो उनके हितों को प्रभावित करेगा, तो ऐसे सभी मामलों में वो क्या कर सकते हैं, मामले को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। मंत्रियों के द्वारा जो दी गई सलाह है उसकी जाँच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती। संविधान में राज्यपाल की संतुष्टि या समाधान का मतलब क्या होता है, मंत्रिपरिषद का समाधान से। जो राज्यपाल हैं अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं पारित कर सकते। यदि मंत्रिपरिषद ने कोई वो नहीं किया है, सलाह नहीं दिया है, और ऐसी कंडीशन में यदि राज्यपाल कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय क्या माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। सेम कंडीशन राष्ट्रपति के साथ भी था। मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात हम करें तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे और उनमें विभागों का क्या करेंगे, आवंटन करेंगे। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक बिना विधानमंडल का सदस्य रहे मंत्री बना रह सकता है।
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब में जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री होंगे, ये सब हमने देख लिया है। आगे देखें, अब आते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व पे। तो पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मतलब जब तक इनका विधानसभा में मेजॉरिटी है तब तक ये क्या करेंगे, ये जो मंत्रिपरिषद ये काम करते रहेगा। जिस दिन मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी उस दिन इनकी सरकार भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। फिर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें तो सभी जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। और यहाँ राज्यपाल के प्रसाद का मतलब क्या होता है, सीएम का प्रसाद। यदि सीएम चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, संबंधित मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं, और यदि वो त्यागपत्र देने से मना करें तो वो गवर्नर को बोल के क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को बर्खास्त करने के लिए बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो सीएम के प्रति अनऑफिशियली होती है, और ऑफिशियली किसके प्रति होती है, राज्यपाल के प्रति होती है। कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं, इसका मतलब क्या है, मंत्री राज्यपाल के द्वारा जारी किसी भी टाइप के आदेश में प्रति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो उसको कहीं साइन करने की जरूरत नहीं है, केवल नोट सीट के लेवल पे वो क्या कर सकता है, अनुमोदन दे सकता है। वो कोई भी लेटर वगैरह में कहीं पर साइन नहीं करेगा, उसके साइन से कोई अथॉरिटी या कोई भी जो कार्यवाही है उसका संचालन नहीं होगा। और ऐसा यदि कोई भी हस्ताक्षर वो करता भी है तो उसमें उसका कोई भी लीगल जो बॉन्डिंग है वो नहीं होगी, कोई भी उस पर लीगल कार्यवाही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी साइन करना। मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई जो सलाह है वो उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकेगा। फिर मंत्रिपरिषद की संरचना हम देखें, ये हम पहले देख चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सरकार के बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं, जो कि गृह, वित्त, स्वास्थ्य और अन्य जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो देखते हैं। कैबिनेट के सदस्य होते हैं और सरकार के जो इंपॉर्टेंट मामले हैं उसमें निर्णय देते हैं। फिर हमने राज्य मंत्री देखा था। राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और कुछ को कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी के रूप में रखा जाता है। स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की भांति पूर्ण शक्ति प्राप्त करते हैं और अपने मंत्रालय का काम करते हैं। वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते राज्य मंत्री, लेकिन यदि उनके विभाग से संबंधित कोई मामला कैबिनेट में चल रहा हो तो उसके बैठक में भी शामिल होते हैं। उपमंत्री क्या होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, इनके सहायता के लिए कुछ मंत्रियों को क्या किया जाता है, उपमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और ये बेसिकली इनका सहयोग करते हैं। इनको कोई अलग से इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता। संसदीय सचिव क्या होते हैं, इनके पास भी कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। ये वरिष्ठ जो मंत्री हैं उनके साथ क्या करते हैं, संसदीय कार्यों में सहयोग के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। बेसिकली ये संसदीय जो सचिव है या उपमंत्री, ये सब जो है, उपमंत्री तो बेसिकली मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो जाता है, लेकिन संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता। तो ये जो 15% वाला जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में आप सब मेंबर को तो शामिल नहीं कर सकते, तो जो एक्स्ट्रा मेंबर बच जाते हैं संबंधित दल के वो क्या करते हैं, उनको संसदीय सचिव, निगम मंडल के अध्यक्ष, ये सब बना बना के संतुष्ट करते हैं। तो ये बेसिकली राजनीतिक पद है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आंतरिक या किचन कैबिनेट की हम बात करें तो कैबिनेट जो है उसके कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किचन कैबिनेट का हिस्सा कहलाते हैं। मतलब ये एक मंत्रिपरिषद है तो उस मंत्रिपरिषद का एक बहुत छोटा हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा क्या होता है, वो कैबिनेट होता है। और इस कैबिनेट का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा क्या होता है, किचन कैबिनेट होता है। तो ये किचन कैबिनेट जो है वो दो चार जो प्रमुख मंत्री होते हैं उसका क्या होता है, एक शक्तिशाली संगठन होता है जो सीएम को बहुत ज़्यादा क्लोजली क्या करता है, वो सलाह देता है और सीएम जनरली उनकी सलाह पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये है किचन कैबिनेट। सामान्यतः सरकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय वो यहीं पर होते हैं और सरकार क्या करती है, मतलब ये जो किचन कैबिनेट है वो कैबिनेट को, और कैबिनेट जो है अल्टीमेटली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करके क्या करती है, अपने कार्यों को स्वीकृति प्रदान करवाती है या फिर अपने जो निर्णय है उसको प्रभावी बनवाती है। अब अगेन हम मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल देखने वाले हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट, ये हम पहले देख चुके हैं तो इसमें हमको कुछ नया देखने की आवश्यकता नहीं है, सेम चीज़ें हैं। जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है एक बड़ा निकाय है, विधानसभा का क्या होगा 15%, हमने पहले लोकसभा देखा था, अब ये विधानसभा का है। कैबिनेट क्या होता है, एक छोटा निकाय है इसकी तुलना में। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें मंत्रियों की सभी श्रेणी जैसे कि उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, ये सब होते हैं, लेकिन कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसमें सरकारी कार्य के लिए ये क्या है, जनरली कभी एक साथ नहीं बैठते, मतलब इनकी कोई बैठक ऑफिशियली नहीं होती। हालांकि उसके नाम पे बैठक या उसके नाम पे कार्यवाही संचालित की जाती है, लेकिन वो कभी एक साथ नहीं बैठते। जबकि जो कैबिनेट होता है वो क्या होता है, सामान्यतः सरकार के जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कैबिनेट ही लेता है। इनको औपचारिक रूप से समस्त शक्ति प्राप्त है, लेकिन उस औपचारिक शक्ति को वास्तविक रूप से कौन एंजॉय करता है, कैबिनेट एंजॉय करता है।
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके कार्यों का निर्धारण कौन करता है? कैबिनेट करता है। मतलब ये कैबिनेट बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से काम करेंगे, कौन कौन से निर्णयों को सहमति देंगे। जबकि जो कैबिनेट है वो क्या है, मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेने के बाद क्या करता है, उनको निर्देश दे देता है। और ये जो निर्देश है मंत्रिपरिषद के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। दो रीज़न से बाध्यकारी होता है, क्योंकि हमको पता है ये जो मंत्रिपरिषद क्या होता है, ये एक जहाज़ के जैसा है, या तो एक साथ तैरता है या तो एक साथ डूबता है। यदि कैबिनेट के डिसीजन को वो नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब वो सीएम के डिसीजन को नहीं मान रहे हैं। कैबिनेट की जो अध्यक्षता है वो सीएम करते हैं। सीएम को डिसीजन को अगर नहीं मान रहे हैं तो वो संबंधित मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं या उसको बर्खास्त कर सकता है। और यदि ये सब के बाद भी जो मंत्रिपरिषद है वहाँ सहमति नहीं हो रही, इसका मतलब ये है सीएम को संबंधित जो मंत्रिपरिषद है उसका विश्वास नहीं है, या फिर संबंधित जो विधानसभा है उसका विश्वास नहीं है, उनका विश्वास खत्म हो गया, इसलिए वो एक साथ सबके सब डूब जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो कैबिनेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करे, पॉलिटिकल जो डिसीजन है वो ले, और किसको, जो मंत्रिपरिषद है उसको निर्देश दे कि ये आपके लिए निर्णय दिया गया है और आपके बिहाफ में हमने निर्णय किया है और आपको क्या करना पड़ेगा, इस निर्णय को मानना पड़ेगा। तो वास्तविक रूप से कौन इंजॉय करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शक्ति, कैबिनेट। देन ये जो है मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता है। तो लागू करने का काम किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जबकि निर्णय लेने का क्या है, जो अधिकार है वो कैबिनेट के पास है, और ये निर्णय लेने के बाद उसके पालन की देखरेख करते हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 163-164 में इसका प्रोविजन है, जबकि मंत्रिमंडल जो है ये मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, 42nd अमेंडमेंट में अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। सामूहिक रूप से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो मंत्रिमंडल है वो डायरेक्टली किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेदारी है विधानसभा के प्रति, उसको सुनिश्चित करे, ये सुनिश्चित करे कि मंत्रिपरिषद या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या करें, उस अनुशासन को बनाए रखें और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। यदि आपको इस सीरीज़ से या इससे पुराने वाली सीरीज़ से कोई भी बेनिफिट हुआ हो तो आप चाहें तो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।